राजस्थान के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने हाल ही में विधानसभा में पेश किए गए बजट में दौसा विधानसभा क्षेत्र को नजरअंदाज करने के कांग्रेस के आरोपों को लेकर कहा कि बजट में दौसा को काफी कुछ दिया गया है और आगामी समय में दौसा का पूरा विकास किया जाएगा, पूरा फोकस रहेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, जल्द ही इसका काम शुरू किया जाएगा जिससे क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर भी दिया कुमारी ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पार्टी दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल करे। दौसा को बहुत कुछ बजट में भी दिया गया है, मैं वो पूरा अपने साथ लिस्ट भी लाई हूँ, बहुत कुछ दिया गया और आगे आने वाले समय में भी हम लोग पूरी तरह से दौसा पे भी फोकस रहेगा और पूरे राजस्थान में कहीं भी अगर कांग्रेस की सरकार 5 साल रही है, उन्होंने कुछ खास कहीं भी किसी भी क्षेत्र को कुछ बड़ी सौगात नहीं दी। आप जानते हैं ईआरसीपी का की फाइनेंशियल सैंक्शन भी हो चुकी है और उसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अभी तो हमारी सरकार आई है और ये जो इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो सिर्फ सपने दिखाती थी, झूठी बातें करती थी। हमने तो आते ही सत्ता में ये काम कर दिया जिससे कि पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा